हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बैकपैकर अभिषेक में। और मैं हूँ अभी वेस्ट बंगाल के वैली ऑफ फ्लावर खिराई से। तो अभी हम लोग खिराई में हैं और खिराई में देख रहे हैं फ्लावर्स के जो गार्डन है उसको। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाओ, तो अभी हम लोग हैं खिराई के फ्लावर गार्डन में। और खिराई जो पड़ता है वो मेदिनीपुर लाइन में, खड़गपुर से कुछ स्टेशन पीछे और पासकुरा से एक स्टेशन आगे पड़ता है। ये वैली ऑफ फ्लावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूलों की खेती होती है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ फूलों की खेती होती है। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, आपको पता ही है कि हावड़ा ब्रिज के पास में फूलों का बहुत बड़ा बाजार है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फूल जाता है वो इसी एरिया से जाता है। और इस एरिया को अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों से इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो मेरे आसपास में बहुत ही सारे टूरिस्ट हैं, मतलब अनगिनत टूरिस्ट है। आज रविवार है इसलिए हो सकता है कि कुछ ज़्यादा टूरिस्ट हो, लेकिन जैसे यहाँ के लोग बता रहे थे लगभग 2 से 3 महीने जो है यहाँ पे बहुत ही मतलब टूरिस्ट की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे फूलों का सीज़न भी लगभग ठंड में ही जनवरी के बाद ही शुरू होता है। ये वाली फ्लावर देख लो आप लोग, जो आप लोग शादियों में देखते हैं ना, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाते हैं वो वाली फ्लावर है। और इस साइड में गेंदा की फ्लावर है और ये अंकल फ्लावर को अभी तोड़ रहे हैं। ये यहाँ से तोड़ करके यहीं से ये सेल करते हैं, तो आप चाहो तो यहीं से ख़रीद सकते हो। वहाँ पे आंटी बैठी हुई है सेल करने के लिए। 20 से 25 रुपये में एक थैला आपको मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ की अच्छी लगी मुझे, लोग यहाँ पे बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि बगान से फूल नहीं तोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और किसको मना किया जाए इसके लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये गार्ड भी किया हुआ है चारों तरफ, ये जालियों से गार्ड किया हुआ है। और मैंने आपको जैसे बताया ना आंटी यहाँ पे बेच रही है फूल, तो यहाँ पे ये फूल बेच रही है। तो हम लोगों के आने का यहाँ का टाइम जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि हम लोग लगभग 3 बज रहा है अभी पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली घर से निकले हैं 10 बजे और पहुँचते यहाँ पे 3 बज गया। 2.5 घंटे की, तो पहली बात 2.5 घंटे की यहाँ पे ट्रेन की जो जर्नी है वो 2.5 घंटे की जर्नी है। और ये पहले फूल देखो आप लोग, पूरा एकदम नेचुरल फूल है, गेंदा का फूल है। इस तरफ येलो फूल है, इस तरफ ऑरेंज कलर का फूल है और पूरा फ्रेश फूल। ये जो जगह है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो गेंदे के फूल ही दिखाई दे रहे हैं। गेंदे के अलावा चंद्रमल्लिका, गुलाब वगैरह ये सब भी है। और भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आलू की भी खेती है यहाँ पे। फूलों के साथ साथ आलू को भी मौका मिल गया उन लोगों को थोड़ा सा फेमस होने का, सब फोटोज में आने का। तो मेरे बैकग्राउंड में तो आप अभी गुलाब देख रहे हो, मेरे सामने आप लोगों को आलू दिखेगा। अभी ये भी गुलाब है, उसके आगे आलू है। भीड़ देख रहे हो, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब सामने जा नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा भीड़ है। और ये अंकल लोग जो है ये फूल फ्लावर्स के जो खेती करते हैं वो लोग हैं, ये लोग यहीं से फूल को बेचते हैं। और काफ़ी अच्छा एक तरह से इनके लिए एक बोल सकते हो, ये एक छोटा सा बिजनेस हो गया है। 2-3 महीने लोग यहाँ पे आते हैं, उस समय इनका एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम एक हो गया है, क्योंकि ऐसे ये लोग यहाँ से तोड़ करके हावड़ा ले जाएंगे फिर वहाँ बेचेंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उससे अच्छा यहाँ पे ही इनको यहाँ सेल हो जा रहा है इनका फूल, और काफ़ी अच्छे प्राइस में सेल हो रहा है। 20 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम वहाँ पे 60 से 70 रुपये किलो में मिलता है।
ये देखिए, आपको अभी बोला ना कि आलू की भी खेती है, तो फूलों के साथ साथ आलूओं को भी थोड़ा सा प्रसिद्धि मिल गया है और आलू भी थोड़ा सा फेमस हो गया है। और ये फूल देख लीजिए आप लोग, जो हम लोग देखते हैं ना बुके में यूज किया जाता है सजाने में, वो अलग। और ये काफी कॉस्टली फूल है। कौन सा फूल है, फूल का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कॉस्टली फूल है। समस्त दर्शनार्थी अनुरोध करा जाते और एक खास चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि फूलों के साथ साथ यहाँ पे सभी बगीचे में फूलों के साथ साथ गोभी की बहुत ज्यादा खेती हुई है। बंधा गोभी, फूल गोभी की खेती बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये फूल और उधर बंधा गोभी आप लोगों को दिख रहा हो, इसकी खेती बहुत ज्यादा है। मतलब साइड साइड में जो भी आप खेती देख रहे हो उसके साइड में आपको बंधा गोभी और फूल गोभी की खेती दिखाई दे रही है। यहाँ से आप नजारा देखो, कठोर व्यवस्था नेওয়া হবে। উপরোক্ত বিষয়ে আপনাদের কোন রকম অভিযোগ থাকলে ये वाले गेंदा के फूल देखो, ये बहुत ही अच्छे गेंदा के फूल है, बहुत बड़े बड़े गेंदा के फूल। मैंने अभी जैसा आपको बोला ना बंधा को भी और फूल को भी, ये देखो इसके साइड में भी आप लोगों को बंधा को भी जो है वो दिखाई देंगे। वो नववर्षे शायद यहाँ से आप खरीद भी सकते हो, ये बंदा को भी जो है और फूल है वो सब कुछ खरीद सकते हो यहाँ के किसानों से। देखते हैं, ट्राई करते हैं लास्ट में जाते समय ना कुछ यहाँ से खरीद के जाने का कोशिश करेंगे, या तो फूल या फिर बंदा को भी, कुछ भी यहाँ से खरीद के जाने का।